हेलो एवरीवन, आज हम सेट थ्योरी देखेंगे और आज हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के लिए हमारे पास यहाँ दो मेथड्स हैं। पहला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म और दूसरा जो है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। इन दिस फॉर्म द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस का यहाँ हमने साइन दे दिया आफ्टर सेपरेटिंग देम बाय कोमास। सो इस फॉर्म में हम किसी भी सेट के एलिमेंट को कोमास से सेपरेट करते हुए कर्ली ब्रेसेस में इंक्लोज्ड करते हैं। चलिए एक एग्जांपल है हमारे पास। इफ अ सेट ए कंसिस्ट्स ऑफ द नंबर्स 2, 5, 7, 9 and 15. It is written as. So यहां हमें एक सेट ए बनाना है जिसके एलिमेंट्स 2, 5, 7, 9 और 15 हैं। सो उसे हम रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो चलिए इसे हम लिखते हैं। सेट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस से हमने स्टार्ट कर दिया 2, 5, 7, 9, 15। यहाँ हमने कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिया। सो यहाँ और एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ है हमारे पास द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं। जेड इज इक्वल टू हमने यहाँ कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया। सो ये हमने सेट ऑफ इंटीजर्स को रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट। किसी भी सेट को रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो नियम हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नियम जो हमारे पास रूल वन है, इसे हम देखते हैं रूल 1। सो रूल 1 क्या कहता है? द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स of the set are written is not important। यानी हमारे पास जो रूल 1 है, the order in which the elements of the set are written is not important। यदि हम किसी सेट के एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज कर दें तो उस सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। यदि हम इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर ए बी और सी से एक सेट बनाए, सो इस तरह से सेट को हमने टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब यदि हम इस सेट के एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज करें, सो a, c, b, इसके बाद फिर और ऑर्डर को हम अगेन एक बार चेंज करें, यदि हम पहले b को लें, इसके बाद c को लें, अगेन इसके बाद लास्ट में हम a को लेते हैं। सो इस तरह से कह रहा है कि दीज थ्री रिप्रेजेंट्स द सेम सेट। यानी किसी भी सेट के एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज करने से सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दीज थ्री represents the same set। यानी कहने का मतलब है कि ये तीनों ही सेम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर हम किसी भी सेट के एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज करें, उससे सेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो रूल 2 जो हमारे पास है, ये क्या कहता है? An element of the set is written only once। यानी कहने का मतलब हुआ कि सेट के एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं कर सकते, यहां रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सो किसी भी सेट के एलिमेंट्स को हमें एक बार ही लिखना है। और जैसा कि हमने सेट के डेफिनेशन में कहा, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, होता है कि सेट के एलिमेंट्स को डिस्टिंक्ट होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होने के लिए एलिमेंट को हमें एक बार ही लिखना होगा। सो इस तरह से रूल 2 जो है, An element of the set is written only once। इसे एग्जाम्पल लेकर हम क्लियर करें। यदि हम एक सेट बनाए 2, 3, 4, 6 जो इसके एलिमेंट्स है, यदि हम एक बार 6 को और रिपीट कर दें, तो ये जो है रिप्रेजेंट करने का सही तरीका नहीं है। सो इसे हमें 2, 3, 4, 6 इस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा। सो ये जो है सही तरीका है। तो चलिए हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ, द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड इंडिया। जो वर्ड इंडिया है हमारे पास, इसके लेटर्स को लेकर हमें सेट बनाना है। सो सबसे पहले इज इक्वल टू, जब हम इसे
सेट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे इसके लेटर्स को, तो किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहला जो लेटर है वाई है, एक एन कॉमा देखे एन को लिखेंगे, इसके बाद हम डी को लिखेंगे, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है क्योंकि द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिटन ओनली वंस। सो एक बार ही हमें लिखना है, सो आई को नहीं लिख के हम यहाँ ए को लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस क्लोज्ड। सो इस तरह से रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में हम किसी भी वर्ड के लेटर्स को लेकर सेट बना सकते हैं। सो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ हम एग्जाम्पल द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड अल्लाहाबाद। द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड अल्लाहाबाद, अल्लाहाबाद वर्ड के लेटर्स को लेकर हमें सेट बनाना है। सो इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया हमने, सबसे पहला लेटर ए है, ए को हम लेंगे, इसके बाद कोमा, यहाँ एल टू टाइम्स है लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है, सो एल हमने एक बार ही लिखा। अगेन ए है सो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, सो ए को हम फिर छोड़ देंगे, यहाँ एच लिखेंगे। अगेन ए है, ए को नहीं लेंगे, हम यहाँ बी को लेंगे। अगेन ए है, फिर ए को छोड़ देंगे क्योंकि एलिमेंट्स को हमें सेट के अंदर एक बार ही लिखना होता है। इसके बाद हम डी को लेंगे। सो यहाँ अलाहाबाद वर्ड के लेटर्स को लेकर हमने रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लेकर एक सेट बनाया।